हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और सस्ती रोस्टिंग वीडियो में। सबसे पहले तो सॉरी, वीडियो काफी लेट आ रही है भाई। ऐसा है ना, मेरे चल रहे हैं पेपर। वो अलग बात है, मैं पढ़ कुछ नहीं रहा हूँ, फिर भी चल रहे हैं पेपर। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। नहीं, इसी वजह से यार वीडियो लेट आ रही है। आज मैं जिस बंदे के बारे में आपको बताने वाला हूँ ना, वो बंदा बिल्कुल भी क्लिकबैट नहीं करता। बाइंग 5 acre लैंड ऑन मून, नो क्लिकबैट। 2 megapixel का कैमरा ऑन करके। चलो गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी बात। सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई। गाइस, उसका नाम है YPM ब्लॉग। ये बंदा क्लिकबेट थंबनेल, क्लिकबेट टाइटल के नाम पर ही फेमस है। आप लोग यूट्यूब पर क्लिकबेट का बादशाह लिख के सर्च करोगे ना, तो सबसे पहले इसी की वीडियो आती है। गाइस, थोड़े बहुत व्यूज के लिए लोग क्लिकबेट करते हैं वो समझ में आता है, लेकिन भाई ये बंदा इतना गंदा क्लिकबेट करता है ना, मैं आपको खुद दिखाता हूँ। फ्लाइंग बोइंग 737-800 फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। भाई इस वीडियो में इस बंदे ने सिर्फ गेम में एरोप्लेन उड़ाया था, फिर भी इस बंदे ने टाइटल पे लिखा है फ्लाइंग बोइंग 737-800 फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। गाइस, ये चाहता तो अपने टाइटल में गेम लिख सकता था, लेकिन नहीं, भाई को क्लिकबेट करना है। एक तो इंडिया पाकिस्तान से हार गई, उसका दुख खत्म नहीं हो रहा, और इस भाई के क्लिकबेट खत्म नहीं हो रहे हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। गाइस, मैं तो इसके अभी और कारनामे दिखाता हूँ। कावासाकी निंजा S2 बर्नआउट डन बाय 18-year-old बॉय, फर्स्ट टाइम ऑन YouTube, फर्स्ट टाइम। 3 कावासाकी निंजा S2 YouTube फॉर फर्स्ट टाइम, 17-year-old किड्स बाय एप्पल iMac, 19-year-old बॉय बाय एप्पल वॉच, 18-year-old बॉय ड्रिफ्टिंग लैम्बोर्गिनी इन डेजर्ट, फर्स्ट टाइम ऑन YouTube, फर्स्ट टाइम। 16-year-old किड्स बिल्कुल। गाइस, ये अपने एज का इतना गंदा फायदा उठाता है ना, कि हर एक तीसरी वीडियो में यही लिखा होता है 18-year-old बॉय बाय दिस, 18-year-old बाय दिस, 19-year-old बाय दिस। और एज के साथ ये एक चीज और लिखता है, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब, 18-year-old बॉय ड्रिफ्टिंग लैम्बोर्गिनी इन डेजर्ट, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब, फर्स्ट टाइम। अच्छा गाइस, बेशक हजारों बंदों ने इस चीज को किया होगा, फिर भी ये बंदा हमेशा यही लिखता है फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब, जैसे कि इसी ने सब कुछ किया हो और किसी ने कुछ किया ही ना हो। एक छप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत गांठ। ये बंदा चलता फिरता क्लिकबेट और शो ऑफ की दुकान है। ये बंदा इतना शो ऑफ करता है ना कि मैं क्या ही बताऊं आपको। ये बंदा इतना शो ऑफ करता है ना, आप इसका बायो पढ़ देना यूट्यूब वाला। यंगेस्ट ओनर ऑफ ऑडी R8। पूछा मैंने कुछ? यही नहीं, अभी और सुनिए। यंगेस्ट ओनर ऑफ कावासाकी निंजा S2। ये साले मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? इस बंदे ने अपने बायो में भी शो ऑफ कर रखा है, कावासाकी ओनर, ऑडी ओनर। शर्म करो, भगवान से डरो भोसा। सॉरी। क्या सॉरी? यही कार्यक्रम। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अरे अरे, तुझे जाने में कितना टाइम हुआ है? अभी 7 मिनट तो हो गए ना भाई। अरे भाई प्लीज। अच्छा ठीक है। अब जितना गंद इसने थंबनेल में मचा रखा है, ऑफ कोर्स वीडियो में भी उतना ही मचाया होगा। चलो वीडियो भी देख लेते हैं। मैंने आपको शुरुआत में इसके एक वीडियो दिखाई थी जिसमें ये मून पर जमीन ले रहा होता है, उस वीडियो में देखो ये क्या कहता है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे पैकेजेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम $30 व्हिच कम्स टू अराउंड 2000 rupees 1 acre। दिखते हैं। ओके, सो हियर वी गो। यहाँ पे आ चुका मेरा ऑर्डर नंबर एंड फिलहाल तो मेरी हो चुकी है यहाँ पे पैसे डिडक्ट। एंड ये देखो, ये पूरा एरिया है जहाँ पे मेरे को मिला है मेरा मून पे मैप। यू कैन बाय चांद सितारे, लिटरली बोलते हैं ना कि चांद सितारे तो तोड़ के ले आओ भाई, अब रियलिटी हो रही है। चल मजाक से हटके अभी लेते हैं। आई बॉट 1 acre ऑफ मून लैंड। यस, सो अब आप मेरे को लोग बोलोगे कि तूने जो पूरे पैसे, तूने अपने पूरे वेस्ट करे हैं पैसे, एंड ये जो पूरी चीज है ये फेक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मेरे पापा मेरे को हमेशा चीज सिखाते हैं कि जिंदगी में कभी कभी लेना जरूरी है बहुत ज्यादा रिस्क, क्योंकि रिस्क के बिना आपकी जिंदगी कभी भी पूरी नहीं होती। सो आप लोगों को मैं नहीं बोल रहा खरीदने के लिए, ये मेरी सबसे पहले पता नहीं कौन सा फेक वेबसाइट खोल लिया इसने। उसके बाद इसके पापा कहते हैं जिंदगी में लेना चाहिए रिस्क। भाई जो तूने किया ना उसे रिस्क नहीं बेवकूफी कहते हैं। रिस्क होता है माउंटेन ड्यू वालों का। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर हैसियत नहीं हिम्मत देखता है। तो ड्यू उठा और हिम्मत का घूंट लगा। और गाइस, इसने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें लिखा है लाइव एक्सीडेंट ऑफ मौत का कुआं। आपको थंबनेल देखकर लग रहा होगा वीडियो के अंदर पक्का कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको देखने को मिलता है। गाइज, मैंने इसकी पूरी वीडियो देख ली। इसके पूरे वीडियो में इसने कहीं भी एक्सीडेंट नाम तक नहीं बोला है और थंबनेल पे लिख दिया एक्सीडेंट। अबे तेरी माँ का। माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। भाई क्लिकबेट के भी हद होती है एक। अच्छा हमको सिखा रहा है। अरे बंदा इतना रईस है ना, किसी भी टूटी फूटी चीज के सामने खड़ा जाता है ना तो उसे खरीद लेता है। बाइंग एक क्रैश लैम्बोर्गिनी इन दुबई। नहीं,
यही नहीं, अभी और सुनिए। बाइंग ए क्रैश्ड हेलीकॉप्टर इन दुबई। सबसे पहली बात, वो पहली बात हेलीकॉप्टर तो है ही नहीं, वो एरोप्लेन है मेरे भाई। और गाइज आप ये दोनों वीडियो देख लेना, इसमें इसने कुछ भी नहीं खरीदा है, बस थंबनेल में लिख दिया बाइंग। 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके शर्म करो, भगवान से डरो। कोई भी दिल्ली वाला इस वीडियो को देख रहा है ना, उसको पता होगा कि दिल्ली में कितना है प्रदूषण और कितने होते हैं एक्सीडेंट। सारे एक्सीडेंट होते हैं वाईपीएम ब्लॉग की वजह से, आपको प्रूफ देता हूँ गाइज। चैनल अभी हो चुका दोपहर का टाइम 3:30 एंड ऐसा होता है वंस इन अ ब्लू। अभी आप इसकी वीडियो में देख रहोगे, ये बंदा कुछ बोल रहा है और गाड़ी इसकी चल रही है और इस बंदे ने सीट बेल्ट भी नहीं पहना है। और ये इसने पहली बार नहीं किया है, जब जब ये कार में व्लॉग बनाता है ना, मैं नोटिस करता हूँ ये बहुत बार सीट बेल्ट नहीं पहनता है। जहाँ पे भी गया था केक लेने के लिए, वहाँ पे मैंने बोला कि जो केक मेरे को चाहिए वो नहीं मिल पाएगा सेम वैसे कोई डिजाइन, तो अभी मैं जा रहा हूँ। गाइज इंडिया में टेस्ला आ गई नहीं, जिस हिसाब से गाड़ी चला रहा है ना हाथ छोड़ के, मेरे को तो लग रहा है टेस्ला आ गई है इंडिया। अभी ये बंदा गाड़ी चला रहा है और इस बंदे ने स्टीयरिंग से दोनों हाथ हटा लिए कैमरे में बोलने के लिए, भाई व्लॉग बाद में बना लियो, तेरी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। भाई तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन तेरी वजह से सामने वाला मर जाएगा भाई। अभी इस बंदे ने 3 दिन पहले और 6 दिन पहले क्रैकर टेस्टिंग के नाम पर 2-2 वीडियो बना दी, जिसमें इसने बहुत सारे पटाखे फोड़े हैं। टेस्टिंग तो यहाँ पे है जॉय 30 हाइड्रोफॉइल टैग, एक्चुअली होता है गोला बॉम्ब। और ऐसी दिल्ली में प्रदूषण नहीं बढ़ रहा है भाई मेरे, शर्म करो भगवान से डरो। मतलब भाई टेस्ट करने के लिए इतने सारे क्रैकर्स फोड़ेंगे, फिर दिवाली में ही फोड़ेंगे, प्रदूषण नहीं होगा, फिर ये बोलते हैं। जब भी मैं कोई देखता हूँ क्रैकर्स वगैरह होते हुए बस, तो भाई अपने आसपास ना मेरे को ऐसा होता है कि मेरे को होता है बहुत ज़्यादा शुरू खांसी, मेरे को अभी ऐसे ही हो रहा है कि मेरे को इसकी एलर्जी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों। बताओ, खुद ही बोलता है क्रैकर से मुझे एलर्जी होता है फिर भी फोड़ता है। सो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। La 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 एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे।